देश में स्वास्थ्य मुसीबत अब 7 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार को विपक्ष मुसीबत को रोकने में विफल बता रहा है। इसी बीच बिहार में विधानसभा चुनाव का शोर भी जमकर सुनाई दे रहा है, लेकिन बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत के बीच राष्ट्रीय जनता दल नेता ने चुनाव न करवाने की बात कहकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू तो चुनावी प्रचार में भी जुट गई है। बीजेपी वर्चुअल रैली कर चुनावी शंखनाद कर चुकी है, तो वहीं जेडीयू प्रमुख और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी 7 अगस्त को वर्चुअल रैली के जरिए जनता को साधने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब बिहार में लगातार फैली स्वास्थ्य मुसीबत के बीच विधानसभा चुनाव कराने पर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी इसका लगातार विरोध करती नजर आ रही है। इसी बीच आरजेडी नेता डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने कहा, स्वास्थ्य मुसीबत के बीच चुनाव कराना गलत है। उन्होंने कहा, ऐसे में हालात और भी खराब हो सकते हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि क्या यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है? क्या संविधान संशोधन नहीं हो सकता है? बीजेपी ने कई बार संविधान में संशोधन किया है, ऐसे में संविधान संशोधन भी हो सकता है। रामानुज प्रसाद ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साल भर चुनावी मोड में ही रहते हैं। वहीं बीजेपी कोटे से मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा, स्वास्थ्य मुसीबत का समय काफी चुनौतीपूर्ण है जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है, राज्य में रिकवरी रेट अच्छा है। लोगों को जागरूकता और सजगता के साथ रहना होगा, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना होगा। आपको बता दें, स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सत्ताधारी दल की चुनावी तैयारी को लेकर विपक्ष पहले भी जेडीयू और बीजेपी को घेर चुका है। आरजेडी और कांग्रेस ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी और जेडीयू के लिए जनता से ज्यादा जरूरी चुनाव है, इसीलिए सरकार चुनाव प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसे में अब एक बार फिर आरजेडी ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथ धो लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले सूबे में ये बयानबाजी और कितनी तल्ख होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।